Hello my friends, welcome back to my YouTube channel, Design Classes. आज मैं आपको 14.3 बताने वाला हूँ बाला की एप्लीकेशन की बुक से, जो कि क्लास 12th की मैथ है और हम पढ़ रहे हैं खंडसा समाकलन, या इंग्लिश में इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। तो आज हम पहला क्वेश्चन इसका लेंगे 14.3 का, देखते हैं हमें क्या करना है इसमें। ये आपका है sec x tan x अंडर रूट sec स्क्वायर x प्लस 1। तो इसमें हम पुट कर लेंगे sec x इक्वल टू t, तो ये आपका हो जाएगा sec x tan x dx इक्वल टू dt। आपको पता है जिसको पुट करते हैं उसका करते हैं अवकलन, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर sec की जगह पर आपको रखना है t, ये जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, और ये आपका जो है सेकेंड टैन एक्स जगह पर आप लिखेंगे डी टी। अब यहाँ पर आपको फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये आपका फार्मूला यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर इसकी जगह पर हम बता रहे ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसके हिसाब से डायरेक्ट इसको खोल देंगे तो एक की जगह पर आपका टी है और ए की जगह पर वन है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वन बाई टू, ये होता है एक्स, तो एक्स की जगह पर टी है तो टी रखेंगे अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन। फिर ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर का वन उसको नहीं रखेंगे, लाग हो जाएगा, फिर टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें क्या करेंगे, टी की वैल्यूज आप रखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा वन बाई टू। अब यहाँ पर टी का मान रखेंगे आप तो ये sec x हो जाएगा, और इसकी जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस वन, फिर यहाँ पर जब रखेंगे तो log sec x अंडर रूट sec स्क्वायर x प्लस वन प्लस सी, ये आपका हो सकता है जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू है, तो यहाँ पर आपको पुट करना है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी पुट कर देना है, तो यहाँ पर जब चेंज करेंगे इसका तो ये हो जाएगा, इसको धर ले जाएंगे यहाँ, यहाँ पर ये ना रख के हम सीधे एक्स बराबर साइन टी पुट कर दें, जब एक्स बराबर साइन टी पुट करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा ये कॉस टी डी टी। अब करना है आपको साइन इनवर्स और एक्स की जगह पर आपको लिखना साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन टी होल अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर टी की पावर थ्री बाई टू, और डी एक्स की जगह पर आपको लिखना है कॉस टी, कॉस टी डी टी। और जब ये करेंगे तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा टी कॉस टी अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर टी, होता है कॉस स्क्वायर टी की पावर है थ्री बाई टू, तो इससे ये कैंसिल हो गया है कि आपको बचा कॉस क्यू है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी कॉस टी अपॉन कॉस क्यू टी डी टी, तो ये आपका बचा टी और ये एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा स्क्वायर, और फिर जब ये ऊपर चला जाएगा तो सेक में चेंज हो जाएगा, तो टी सेक स्क्वायर टी डी टी। अब यहाँ पर हम फर्स्ट सेकेंड से सॉल्व कर लेंगे, तो आपको पता है कि रेट का फॉर्मूला, तो इसमें क्या होता है अलजेब्रा जो है पहले आता है तो ये फर्स्ट माना जाएगा और इसको मानेंगे सेकेंड, तो टी को रखा सेक स्क्वायर टी का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा टैन टी। फिर अब आप करेंगे समाकलन में तो टी का वर्ग हो जाएगा और सेक स्क्वायर का टी का अवकलन होना है, तो ये हो जाएगा वन सेक स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा टैन टी डी टी, फिर ये हो जाएगा टी टैन टी माइनस टैन टी का होता है लॉग सेक टी प्लस। अब यहाँ पर लेकिन आपको टी की वैल्यू रखनी है, टी की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो टी बराबर हो जाएगा
साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स हो जाएगा, और उसके बाद पाइथागोरस की परमिशन सॉल्व करेंगे तो साइन टी का मान लंब बटे कर्ण, लंब है एक्स और कर्ण है वन, और ये आधार हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो टी की वैल्यू तो हम लोग देंगे साइन इनवर्स एक्स रख देंगे, और टाइम टी की वैल्यू रखने के लिए हम लंब बटे आधार का प्रयोग करेंगे, तो लंब है एक्स और आधार है अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा लॉग से किले का बराबर अपना कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है वन और आधार है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, इसको ले सकते हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो करेंगे आपका तो ये हो जाएगा लॉग, और ये देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये वन अपॉन इसको हम ऐसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, और रूट लगा कर इसको वन बाई टू लिखेंगे। लॉग में है तो ये वन बाई टू जो है यहाँ पर चला जाएगा, और इसको ऐसे ले सकते हैं आप वन स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का वन बाई टू। अब जब लॉग में है तो ये आगे आएगा तो ये प्लस का बना देगा, यहाँ पर हम प्लस का वन बाई टू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं, ये भी सही था। और ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। तो यहाँ पर आप टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर टू टी पुट कर देंगे, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर टू डी टी। अब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो टैन इनवर्स एक्स है, इसकी जगह पर आपको टी रखना है, और डी एक्स अपॉन इसकी जगह पर आपको रखना है डी टी। अब आपको देखना है कि हमें एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखना है। अब यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम तो एक्स बराबर हो जाएगा टैन टी, तो ये आपको हो जाएगा टैन स्क्वायर टी हो जाएगा, इस टी को हम बाहर कर लेते हैं आगे। अब टैन स्क्वायर टी का आपको पता है कि समाकलन नहीं होता है, तो इसको हम चेंज करेंगे टी सेक स्क्वायर टी माइनस वन, इसमें चेंज करेंगे। आपको पता है वन प्लस टैन स्क्वायर टी स्क्वायर टू होता है सेक स्क्वायर टी, यहाँ से हम चेंज कर लेंगे टेन स्क्वायर टी की वैल्यू निकालेंगे टी उधर चला जाएगा। अब उसके बाद इसको हम अलग अलग कर लेंगे, टी सेक स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा और माइनस का टी डी टी होगा। अब इसका करेंगे हम फर्स्ट सेकंड से, अभी हमने अगले सॉल्व किया था इसी को, तो टी का मान जो है टी को हम टी रखेंगे सेक स्क्वायर टी का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा टेन टी माइनस टी का वन हो जाएगा, उधर में वन हो जाएगा और सेक का सेक स्क्वायर टी का होगा टेन टी डी टी, और टी का ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सॉरी अब यहाँ पर टी टेन टी हो जाएगा, और इसको हम लॉग सेक एक्स माइनस का टी स्क्वायर बाई टू अब प्लस का सी रखेंगे। अब टी की जगह पर अब हमें मान रखने हैं एक्स के पदों में, तो टी का मान यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर टी का मान रखने तो हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स, और टैन टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस लॉग। अब सेक एक्स की जगह पर आपको रखना है पाइथागोरस की परमिशन लगानी होगी सेक एक्स, सॉरी यहाँ पर सेक एक्स नहीं सेक टी होना चाहिए, तो यहाँ पर सेक टी के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पहले यहाँ से मान लेंगे ये जगह लंब बटे आधार, तो कर्ण आपका हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस सेक टी की वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटे आधार, यानी कि लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का टी की वैल्यू रखेंगे तो टी की वैल्यू टैन इनवर्स में, तो हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। इसको चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, रूट को हटा सकते हैं और इतने पर छोड़ देने तभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन लेते हैं लॉग सेक इनवर्स एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पर आपको पुट करना होगा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, और इसका अवकलन होता है डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे लॉग सेक इनवर्स एक्स की जगह पर आप रखेंगे टी डी एक्स अपॉन इसकी जगह पर आप रखना है डी टी। अब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन लास्ट की क्या नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर हम वन मान लेंगे और
तब करेंगे। लॉग को फर्स्ट मानना है और इसको मानना है सेकेंड। लॉग पी को हमने रख दिया और वन का समाकलन करना है इनकी डी टी माइनस पूरे का समाकलन डी बाई डी टी लॉग पी का और समाकलन डी टी का और होल का डी टी करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा टी लॉग पी हो गया माइनस लॉग पी का वन बाई टी हो जाएगा और उसका टी होगा डी टी कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा टी लॉग पी माइनस अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा टी प्लस सी। अब टी को एक्स के पदों में कर लेंगे तो टी का मान यहाँ पर रखेंगे सेक इनवर्स एक्स लॉग सेक इनवर्स एक्स और फिर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर चाहे तो सेक इनवर्स एक्स को कॉमन ले सकते हैं तो यह हो जाएगा लॉग सेक इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस सी। ये आपको